भागवत रूपी दर्शन होगा, सत्संग रूपी दर्शन होगा, तो स्वतः ही भगवान हमें अपने और नजदीक नजर आने लगेंगे। श्रीमद् भागवत, भागवत का महात्म्य, महात्म्य में समय के कारण कल थोड़ा सा प्रसंग रह गया था आधे में ही। आप सबने कल कथा सुनी कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम क्या नाम था? धुंधली देवी, श्रीमती धुंधली देवी। तो धुंधली देवी, तो आपने सुना कैसी उसकी बुद्धि थी, हमेशा नकारात्मक सोचती थी। पुत्र हुआ, नाम धुंधकारी रखा, और गाय को जो फल खिलाया उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी, लेकिन धुंधकारी उतना ही विपरीत राक्षस वृत्ति का, और जिसके जैसे कर्म उसको वैसा जन्म मिलता है, इसलिए अगले जन्म में राक्षस बना। उसके उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने गया में पिंडदान किए। एक बार होता है, पर पता था इसने बड़े पाप किए, इसलिए 100 बार किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब कृपा से श्री गोकर्ण महाराज ने इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत का आयोजन कराया। सब लोग आए, कथा में बैठे, कथा सुनी। ये आया, कहां बैठू, इसको जगह दिखाई नहीं दी, तो एक बांस था, बेम्बो, उस बांस में आके बैठ गया। 7 दिन तक इसने शांति से बैठ के कथा सुनी, और 7 दिन बाद विमान आया और गोकर्ण धुंधकारी को अपने विमान में बिठा के भगवान के दूत अपने धाम लेके गए। अब कई लोग बड़े उदास मन से कहते हैं, अरे धुंधकारी के लिए तो भगवान ने एक ही बार में विमान भेज दिया, हम तो इतनी बार कथा सुन चुके, आज तक विमान नहीं आया। लगता बातें सब झूठी हैं। झूठी नहीं, भगवान जानते हैं आज का कलयुग का आदमी बड़ा चालाक है, मैं भेज भी दूं तो विमान उल्टा आ जाए, पर ये नहीं आएगा। चलो महाराज, चलिए, अच्छा चलिए आप बता दीजिए, छोड़िए मेरी बात। अगर यहां पर, कौन सी तारीख को कथा खत्म हो रही है, 19 को, तो 19 को विमान आ गया, द्वारिका के नाथ साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए विमान लेकर के, चलो बैठो विमान में और चलो, भगवान कहें चलो हमारे साथ, तो कौन कौन जाएंगे? भागवत जी के सामने झूठ नहीं। जाने के लिए एकाद राजी भी हो जाएगा, लेकिन पहले मन में प्रश्न जरूर आएगा, जाऊं कि नहीं जाऊं। और कुछ तो ऐसे आप कहोगे कि नहीं नहीं है, हम तो चलेंगे, तैयार हैं हम तो, ये सब सिर्फ कहने वाली बात। आज आपसे कोई कहे कि आप सब सेवा से निवृत्त हो, आप सब, आपका जीवन अब धीरे 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 मृत्यु की ओर खिसक रहा, चलिए अब भगवान के नाम में लग जाइए, भजन में लग जाइए, कितने लोग लग पाते हैं, कितने लोग लग पाते हैं? उल्टा जितना आप मृत्यु की ओर खिसकते हैं, जितना आपको माया से दूर होना चाहिए, उतना ही आप माया में फंसते चले जाते हैं, उतना ही घुसते चले जाते हैं। चिंता लगी रहती, अच्छा मैं चला गया तो फिर घरवार कौन संभालेगा, पत्नी कैसे रहेगी, पत्नी सोचती मैं चली गई तो ये कैसे रहेंगे। आसान कहने में बड़ी आसानी होती है कि हाँ हम तैयार हैं, हम जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी भी बेचारे लाके पछताएंगे विमान की, पेट्रोल का पैसा भी वसूल नहीं हुआ, खाली आए और खाली चले गए, कोई राजी नहीं जाने को। कथा श्रवण करके भी मन में वैराग नहीं जागता। एक आदमी आके मुझे बोला कि 4 दिन हो गए कैसी कथा करते हो, मैं बोला क्या हुआ, कुछ गलती हो गई, कोई गलत बोल दिया? बोले नहीं पिताजी, 4 दिन से आ रहे हैं कथा में, अब तक तो उनका बैग पैक हुआ नहीं वृंदावन जाने को, कुछ ऐसा सुनाओ जो इनको भी कुछ मन में जागे और ले झोला और ये बस
निकल जाए यहां से। जागता है, खाते हैं धक्के सबसे, पर फिर भी हृदय में जागता नहीं कि अब भगवान के चरणों से जुड़ जाए।